150 रुपये पाव। ये सूखे झींगे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों का योर लाइव सिटी में वेलकम है। मैं लियाकत आबाद मूसा कॉलोनी की फ़िश मार्केट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ना ड्राई फ्रिज फ़िश रखी हुई है। तो आज देखते हैं कि ड्राई फ्रिज की क्या प्राइस है और ये किस तरह बनाई जाती है। तो ये आप पूछेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? सूखी मछलियाँ आपने रखी हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा मुझे। इसके बारे में ये कहना है कि ये पुराने वक्तों का सौगात है। सौगात? अच्छा, जब फ्रिज नहीं हुआ करती थी हाँ। उस वक्त लोग इस तरह सुखा के उसको स्टोर किया करते हैं, तो अभी भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। और ख़ास तौर पे सर्दियों में जानवरों के लिए ज़्यादा जाता है, परिंदे, तोते, मुर्गी जो बाहर मुल्क से आते हैं पाकिस्तान में, तो बाहर मुल्क के परिंदों के लिए मोर मुर्गी इन सब के लिए सूखे झींगे ले जाते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसको तो वो बोलते हैं कोलिम, ये झींगा है सूखा वाली। अच्छा, झींगे के जो बच्चे हैं उसको कोलिम भी बोलते हैं ना, तो ये परिंदों के लिए ज़्यादा जाता है। अच्छा, परिंदों ज़्यादा। इसके अलावा बंगाली, बिहारी, कलकत्ता के लोग, दिल्ली के लोग ये सूखी मछली ये वाला बहुत इस्तेमाल करते हैं। चाहिए वाला इसे बोमले बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? बोमल। बोमल, अच्छा बोमल मछली। हाँ, ये इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा महंगा भी यही है, ₹1000 किलो। ₹1000 किलो है? ₹1000 किलो है। और इसके अलावा मेमन और ब्लोज वाला मछली इस्तेमाल। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये वाली मछली कौन सी कहलाती है? सारम का नस्ल होता है। अच्छा, ये किस तरह देते हैं आप, क्या किलो के हिसाब से? 200 रुपये पाव। अच्छा, और ये सूखी, ये सूखे झींगे व्यूअर्स, ये सूखे झींगे सूखी बॉम्बिल है, किस तरह ये? ये हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं ₹1000 के। ₹1000 किलो। मिंटू बोलते हैं, मिंटू। मिंटू का क्या पाव है? ये ₹150 पाव। वाली फिश कौन सी है? हेवा। हेवा है ये ₹150 पाव। ये उलुआ, ये उलुआ फिश है, किस तरह पाव? ₹150 पाव व्यूअर्स। ये सूखे झींगे किस तरह पाव? ये भी ₹150 पाव है व्यूअर्स। ये वाले सूखे झींगे, ये भी ₹150 पाव। ये भी ₹150 पाव। पल्ला, ये मच्छी पल्ला है। अच्छा, अच्छा, ये किस तरह नमक लगी हुई? ₹150 का दो है, नमक लगी हुई मच्छी, ये पल्ला है, ठीक है। और ये केसकी, ये किस तरह पाव? ये भी ₹150 पाव है, ठीक है। व्यूअर्स, इनके पास बांग्लादेश की भी सौगात है, ये इनके शॉप है, आप देख सकते हैं। बाद में मैं आपको दुकान पे दिखा रूँगा पूरी तरीके से। अभी देखते हैं कि इनके पास बांग्लादेश की कौन सी सौगात है, ये दिखाइए जी। सबसे पहले ये बांग्लादेश की दाल है, ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल है? अरहर। अच्छा, ये अरहर की दाल है। हाँ। ये तकरीबन ₹1200 किलो है। ₹1200 किलो है, ठीक। ये बांग्लादेश का चावल है, ये ₹1500 किलो। ₹1500 किलो बांग्लादेश की चावल है। अच्छा, और इसके अलावा ये तेल है बांग्लादेश का, गुंडोराज तेल। अच्छा, इसको हम बेचते हैं ₹850। ₹850, ठीक है। ये ले ली। और ये बांग्लादेश की बेर की चटनी है। और ये बांग्लादेश की बेर की चटनी है, ये हम बेचते हैं ₹80। ₹80, ठीक है। और ये बांग्लादेश के लौकी का तेल है। लौकी का तेल है बांग्लादेश का। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, बालों के लिए ना, आती खवातीन मुतमईन होती है, दूर दूर से आती है। लौकी का तेल बोलते हैं, लौकी का तेल बोलते हैं, सही। अच्छा, और ये थाईलैंड की इमली है। ये थाईलैंड की इमली है, मीठा इमली हो तो बिल्कुल मीठा इमली। अच्छा, सही, ₹400। अच्छा, और ये फिलिपाइन का अनानास है। ये फिलिपाइन का अनानास है, सही। ये ₹1800 का। और ये श्रीलंका, ये जो नारियल आता है ये श्रीलंका से आता है। अच्छा, ये श्रीलंका से आते हैं, मैं भी उस तरफ आता हूँ। कटबेल किस चीज के लिए काम आती है? पेट के लिए अच्छा होता है, खट्टा मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, मसाले के साथ बनाते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? रसभरी।
रसबरी ये व्यूवर्स ये किस तरह है? ये 150 रुपये। ये भी बांग्लादेश की है? नहीं, ये यही की है। अच्छा, और ये व्यूवर्स ये सूखे बेर है, खट्टे मीठे, ये किस तरह? ये 100 रुपये। अच्छा, और ये क्या कहलाती है? आंवला। ये किस तरह है? ये 100 रुपये। 100 रुपये पाव आंवला। और ये है इमली। हाँ, आगे जो है वो आमरा है। अच्छा, वो आगे जो है आमरा है, और ये आगे इमली। किस तरह? इमली 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। और आमरा? आमरा 100 रुपये। 100 रुपये पाव। और ये क्या कहलाती है? कमरक। कमरक इंग्लिश में स्टार फूड बोलते हैं। अच्छा, उर्दू में कमरक बोलते हैं और इंग्लिश में स्टार फूड बोलते हैं। क्या इसकी क्या चीज़ के लिए? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। ये किस तरह? किस तरह? 80 रुपये पाव। ठीक है। और ये अनार का लिए? ये किस तरह पाओ? 80 रुपये। दुकान आप बताइए। जैसे ही मूसा कॉलोनी मछली मार्केट में एंटर होंगे, सबसे पहली मेरी दुकान है। पहली मेरी दुकान है। पर नाम बताइएगा। नाम मेरा मोहम्मद अबू ताहिर नाम है जी। और मूसा कॉलोनी के बिल्कुल शुरू में ही, मछली मार्केट में बिल्कुल शुरू में मेरी दुकान है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों में मैं होलसेल भी बेचता हूँ। अच्छा। खासतौर पर झींगा जो परिंदों के लिए लेके जाते हैं, तो मन के हिसाब से तो हम लोग 350 रुपये किलो देते हैं और 1400 रुपये मन देते हैं जी। खासतौर पर परिंदे वाले 1800 रुपये, अगर उनको होलसेल में माल चाहिए तो। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? मेरे को ऑर्डर आता है पंजाब, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये दुकान करते हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। ज्यादातर लोग कम्युनिटी बांग्लादेशी आती है? नहीं, परिंदों के लिए तो जाहिर बात है वो दूसरों आते हैं। आते हैं सब लोग आते हैं। आते हैं जो जिनको परिंदों का फार्मर लोग आते हैं हमारे पास, या फोन कर देते हैं, हम कार्गो कर देते हैं। कार्गो का पैसा होते हैं। नए देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दुकान के जरिए? शॉपिंग के हमारा दुकान में हर मुल्क का सामान ज्यादा होता है जो कि महंगा होता है जी, और साफ सुथरा माल, एक नंबर माल बेचते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल, नारियल के तेल, शहद के तमाम अकसाम, तकरीबन मेरे पास 6 से 7 किस्म के अकसाम के शहद होते हैं जी, जो कि एक नंबर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह महंगे रेट में देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये इनकी शॉप का दुकान है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो, आना हो, तो यहाँ पर आ सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।